भाई ये चांदनी चौक जो है गरीबों को रिक्शे वालों को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, काम कर रहा केजरीवाल, क्या कर रहा मोदी जी का? कोई सरकार तो आया नहीं ना आएगा जिंदगी में। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस कोरोना पेंडेमिक। अभी आई एम हेयर एट CP और मेरा एक फ्रेंड है जो सीधा लखनऊ से आया है और मैं उसका ही वेट कर रहा था यहाँ पे। सो अभी हमारा प्लान देखते हैं, कुछ एज सच कोई डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। सो अभी हम मिलकर प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है। इसको फोटोग्राफी करनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो अभी हम देखते हैं कहाँ प्लान होता है हमारा। तो अभी हमारा चांदनी चौक का प्लान बना है, पहले चांदनी चौक घूमेंगे, पूरा स्टार्ट हो चुका है स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। तो अभी का सीन ऐसा है, कुछ पहले हम नाश्ता करेंगे और भाई ने अपना काम स्टार्ट कर दिया जिस काम के लिए आया था, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, ये देखो। तो अभी हम कुछ पहले खाने का देखेंगे कि क्या मिलता है यहाँ पे। और ये देखो आप मेरे पीछे जो पूरा चांदनी चौक का रेनोवेशन हुआ था, ये पीछे लाल किला है। और ये पूरा यहाँ पे पहले रिक्शा चलते थे, बहुत क्राउड होता था, बट अब बहुत ही सॉर्टेड है, यहाँ पे आप इजीली वॉक करके जा सकते हो। तो देवोजीत भाई कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? भाई बढ़िया लग रहा है, कोविड के बाद अलग सा लग रहा है कुछ दिल्ली। कोविड लॉकडाउन से पहले मैंने इसके साथ लास्ट ट्रिप करी थी और अब थोड़ा सा लॉकडाउन फ्री हुआ है तो स्टार्ट भी इसी के साथ ही कर रहा हूँ। और आगे का देखते क्या प्लान्स होते हैं, अभी तो फिलहाल यही है कि चांदनी चौक पूरा घूमेंगे, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है इसको और साथ साथ मेरा व्लॉग भी हो जाएगा। तो आज पहले हम खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर। सो अभी हम हल्दीराम पे बैठे हैं और अभी हमने छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। वैसे ट्राई तो इसको स्ट्रीट फूड कराना था, बट हाँ स्ट्रीट फूड भी खाएंगे, पहले हम थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने जो अभी अपडेट किया था कि चांदनी चौक का जो रेनोवेशन था वो हो चुका है, तो यहाँ की असलियत ये है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ काम अधूरा पड़ा है, चल रहा है काम। और उन्होंने हमें बहुत पहले अपडेट कर दिया कि सब कुछ हो चुका है, सेटल है पूरा। क्या बोलना आपको बताओ? देखो जैसे भी आप चिंता करें, आप किसी की बात है कोई बात नहीं, बड़े भाई ये चांदनी चौक जो है गरीबों को रिक्शे वालों को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, काम कर रहा केजरीवाल, क्या कर रहा मोदी जी का? कोई सरकार तो आया नहीं ना आएगा जिंदगी में, पहली बार आया, चलो हंसी मजाक की कोई बात है, तो भाई लोग कैमरा लगा रहे हैं, ये बाबा इनको भी देखना आनंद। ये देखो यहाँ के हमारे रिक्शे वाले भाई जो बहुत परेशान है ये रिनोवेट होने से, क्योंकि यहीं पर पहले इस पूरे रोड पर रिक्शा चलता था और यहाँ पर बहुत क्राउड होता था, ट्रैफिक होता था, बट अभी जैसा कि हम यहाँ पर रिक्शा अलाउड नहीं होगा और सिर्फ आप वॉक करके जा सकते हो। नाम पर लेना लीडो लीडो खेलते सर, लीडो लीडो खेलते सर, लीडो गेम सच बोलो, हाँ लीडो गेम, यस न्यूज अलग चांदनी चौक। अगर आप भी कोविड के बाद चांदनी चौक विजिट करने की सोच रहे हैं तो ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है चांदनी चौक, इतना कोई क्राउड नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में कि इतनी शांति चांदनी चौक में, जहाँ पे कभी पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। और हमारे भाई भी पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो भाई कैसा लग रहा है पहले में और अब में, कितना चेंजेस दिख रहा है तुम्हें? भाई बहुत चेंज है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आराम से घूमो कोई दिक्कत नहीं है, आधी शॉप्स खुली है आधी बंद है। ट्रैक्टर लेके आओ, लॉरी लेके आओ, सब आ जाएगी, बस भी चल जाएगी यहाँ पर, बस भी चला लो तुम। Oh, 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 oh,
चांदनी चौक अभी जस्ट कंप्लीट करा, मतलब कंप्लीट तो नहीं, जितना घूम पाया उतना घूमा, क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं, तो स्ट्रीट में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाया। और अभी हम ड्रोन उड़ाने की सोच रहे थे, तो देखते किस साइड लोकेशन सिलेक्ट करते पहले और फिर दूसरी जगह निकलते हैं यहाँ से। आए थे पीपी में अपनी स्कूटी लेने को, अपने पार्क करी थी, अब हम ड्रोन के लिए लोकेशन देखेंगे कोई बढ़िया सी, अब देखते हैं कहाँ डिसाइड होता, क्या डिसाइड होता हमारा। सो फाइनली रीच्ड होम। तो भाई आज एक हो गया तगड़ा सा सीन, चांदनी चौक से निकले थे हम अपना कोई लोकेशन ढूंढने ड्रोन शॉट के लिए, तो हम हमारा प्लान बना कि कुतुब मीनार जाएंगे, वहाँ से एक अच्छा शॉट आ जाएगा। उसके बाद रास्ते में जाते हुए हम हौज खास की तरफ चले गए, और सबसे पहले तो वहाँ क्या हुआ कि एंट्री फीस स्टार्ट हो गई वहाँ पे, शायद बहुत पहले से है बट मैं काफ़ी टाइम बाद गया था, तो 20 रुपीज़ ईच पर्सन के हिसाब से एंट्री फीस वो चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन्होंने गेट पे पूछा था कि ऐसे कि शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बट हमें तो ऐसा कोई शूटिंग करनी नहीं थी, बट जो फ्रेंड आया था उसको ड्रोन उड़ाना था। तो हुआ क्या, हमने एक अच्छी सी लोकेशन देख के ड्रोन उड़ाया, फर्स्ट टाइम उड़ाया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब सेकेंड टाइम हमने उड़ाया तो हुआ क्या, वहाँ पे लाइक जो ड्रोन की आवाज़ है वो गार्ड थे, जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, जो उसके ऊपर आ गया सर पे, और आवाज़ से उसने देख लिया कि कोई ड्रोन उड़ा रहा है, तो हमारे पीछे आए और उन्होंने ड्रोन रुकवा दिया, और उसी चक्कर में बस एक घंटा हमारा उन्होंने वहाँ पे ख़राब कर दिया। मतलब वही बहसबाजी, चार्ज कटेगा और तुम्हारा फ़ाइन लगेगा तुम्हारे ऊपर, ये है वो है, और वो लोग भी अपनी बात पे अड़े रहे कि यार फ़ाइन लगेगा तुम्हारा 5 से 10 हज़ार का। तो बस मैंने एक अपने किसी की हेल्प ली और फ्रेंड से फ़ोन वगैरह करा के उसने हेल्प करी, और हम वहाँ से छूटे। उसके बाद तो फिर बस उसके बाद हमारा फिर कुतुब मीनार जाने का प्लान था, फिर वो हमारा कैंसिल हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि यार थोड़ी अगर शाम हो जाएगी तो हम अक्षरधाम के ऊपर उड़ाएंगे, बट फिर वही था कि वहाँ भी यार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद अलाउ ना करे, थोड़ा हेक्टिक सा हो गया था, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे एक्सप्लोर करने निकला था, करीबन 6 महीने 7 महीने बाद ऐसे एक्सप्लोर करने निकला था। तो गाइस चलो अभी के लिए चलते हैं, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि कहाँ जाएंगे, क्या हमारा प्लान होता है आगे का, और बाकी की अपडेट्स तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। बाकी की अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल बनी के नाम से मेरा अकाउंट है। यार आगे के लिए थोड़े इंटरेस्टिंग प्लान्स है, बाकी आप वीडियो एंजॉय करो आराम से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, और अब तो शायद रेगुलरली डालने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कि पॉसिबल कितना पॉसिबल हो पाता है, मतलब और कंसिस्टेंसी लाऊँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं अपडेटेड रहता ही हूँ, साथ में यूट्यूब पे भी अपडेट रहने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी के लिए बाय, बाकी आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को।